हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए DIY कॉम्बी स्टैंड का। ये रहा कॉम्बी स्टैंड, ये गोल जैसा मुझे घर पर ही पड़ा हुआ मिला था गत्ते का। ये एक्चुअली पंखे का, सीलिंग फैन जब घर पे आते हैं तो कार्टून्स में बंद होते हैं, उसी से ये निकला था। तो मैं सोची क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। और ये कलर पेपर घर पर ही थे जो कि आपको इजीली मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी स्टोर में, स्टेशनरी स्टोर में मेनली ये मिल जाएंगे। तो इसे मैं कलर पेपर से फेविकॉल लगा कर इसको इस पर अप्लाई कर दी हूँ। उसके बाद फिर ये, क्योंकि राउंड शेप में है तो थोड़े थोड़े कटिंग करने पड़ेंगे ऊपर से, नहीं तो फिर फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आएगी। इसलिए मैं थोड़े थोड़े कटिंग कर दे रही हूँ ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए बाहर से। फिर कटिंग करके इसे फेविकॉल लगा दे रही हूँ, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे चिपका दूँगी तो इजीली चिपक जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। ये फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसे नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कॉम उस पर रहेंगे ही नहीं। मान लीजिए कभी हम लोग उठा लिए हाथ से तो सारे कॉम नीचे से गिर जाएंगे, तो इसलिए नीचे से एक कार्टून को मैंने राउंड शेप में कट किया और ये निकाल लिया। और इसे भी कलर पेपर से मैं कवर कर दूंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं कवर कर दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने दो सर्कल कट किए हैं, एक ऊपर के तरफ से एक नीचे के तरफ से, मतलब दोनों तरफ से इसे मैं कवर कर दूंगी तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। इसे फिर मैं फेविकॉल लगा दे रही हूँ गत्ते पे जो सर्कल वाले थे। उसके बाद फिर इसे भी मैं हल्के हल्के कट कर दे रही हूँ जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि कट करने से मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। तो इसे मैंने कट कर लिया, फिर फेविकॉल लगा करके इसे अच्छे से चिपका दूंगी और फिर ये एक साइड से हो गया। अब इसे दूसरी साइड से भी सेम, बट दूसरी साइड से मैंने थोड़े छोटे, मतलब कि सेम सर्कल के हिसाब से ही कटिंग की थी जो कि अच्छे रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एक्स्ट्रा करना तो बेटर नहीं था इसलिए। और फिर मैं नीचे के तरफ से इसे फेविकॉल लगा कर उसे चिपका दूंगी जो वो राउंड शेप वाले अलग से मैंने किए हैं। तो ये चिपक गए हैं, ये मेरा कॉम्बी स्टैंड तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।